इतने 498 के केस झूठे होते हैं जो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, 98%, 93%, कभी कभी काफ़ी केस झूठे होते हैं, फिर भी पुरुष आयोग क्यों नहीं बन रहा दोस्तों? मेरा जो ओपिनियन क्या कहता है, आपका क्या ओपिनियन होता है कमेंट में ज़रूर बता देना दोस्तों। आज देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब ये पुरुष आयोग की कोई भी आवाज़ उठा रहा है, तो देखो पुरुष आयोग कोई एक दो के कहने से नहीं बन सकता। पहली बात तो भाई एक जना ही आवाज़ उठाएगा तो उससे कभी नहीं होगा। पहली बात तो जो पुरुष पुरुष है ना, वो कभी भी एक दूसरे के सपोर्ट में है ही नहीं। आज की डेट में कोई इस चीज़ की आवाज़ उठाता है, दूसरा उसमें कमियां निकालने लग जाता है, कोई अलग ही उसकी डेफिनेशन निकाल देता है। कोई अच्छा काम करना भी चाहेगा तो उसके पीछे पुरुष ही उसकी काट करने लग जाएंगे, एक दूसरे को गिराने में लग जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती है, तो इस वजह से कभी कम से कम अगर 498 केस में जितने लोग आज पीड़ित हैं और एक साथ इसकी आवाज़ उठाए ना कभी मिल के, तो डेफिनेटली पुरुष आयोग बनने में कोई टाइम ना लगे, लेकिन एक दूसरे को ही गिराने में लगे हुए हैं। सेकेंड बात आ जाती है, राजनीति पॉलिटिक्स होती है। 498 केस एक फैमिली का मैटर होता है, इसे कानून की नज़रों में इतना सीरियस लिया भी नहीं जाता, लेकिन जिसके साथ ये होता है ना, बहुत हरासमेंट होता है इसमें, ठीक है। तो इस चीज़ में यार कम से कम आपको एक चीज़ पे सपोर्ट करना पड़ेगा भाई, कोई इस पे जो काम कर रहे हैं उनको एक थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा, सभी को एकजुट करना पड़ेगा, इसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, मीडिया पे लानी पड़ेगी इस बातों को, सोशल मीडिया पे। देखो सोशल मीडिया में आज की डेट काफ़ी ताकत है, आपको पता हो तो भाई काफ़ी कुछ ताकत है ना। अभी कभी देखा आपने कभी न्यूज़ पे इस चीज़ की डेबिट होती है इसकी, कभी भाई 498 पे भी इतने झूठे केस की हो रही, कभी सरकार से सवाल पूछा जा रहा है इस चीज़ पे? कभी नहीं पूछा जा रहा, कहीं भी नहीं पूछा जाएगा इस चीज़ के बारे में। तो कुल मिला के एक है कि एक दूसरे के सपोर्ट कोई करता ही नहीं है, पुरुष पुरुष ही एक दूसरे को काटने में लगे हैं। अब मान लीजिए कोई आवाज़ उठा रहा है, किसी का चैनल आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे तो चैनल को गिराने में लग जाते हैं। अब ये बेवकूफ़ी ये नहीं समझ पाते हैं कि चैनल एक नॉलेज से चलता है, किसी आवाज़ से नहीं चलता, किसी के कहने से, ठीक है। आप किसी के बारे में बोल के एक दूसरे कहते हैं कि जब बराबरी नहीं होगी तो बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ की एक लोगों का खासियत ये भी देखा हूँ मैंने सोशल मीडिया पर आने के बाद, कि लोगों से जैसे अब बराबरी नहीं हो रही तो बुराई करना स्टार्ट कर देंगे, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। भाई अपना टैलेंट खुद का दिखाए ना, बड़ी मेहनत करना पड़ता है, चैनल पर एक्टिव होना पड़ता है, वीडियो लाना पड़ता है, हर चीज़। तो ऐसे थोड़ी लोग अपना, आज की दुनिया में कोई लोग बेवकूफ़ नहीं जो अपना टाइम वेस्ट करेंगे बिना। और पब्लिक सबसे डिसाइड ये नहीं कर पाती कौन सही बात कह रहा है, कौन गलत बात कह रहा है। भाई ये डिसाइड पब्लिक को करना चाहिए भाई, आप किसके रियल सब्सक्राइबर हो, आप कौन से चैनल के सब्सक्राइबर हो, आप कौन किसके बारे में, आपका जो आपको पसंद आ रहा है, आपको पता कि नॉलेज क्या है, कहाँ से मुझे नॉलेज मिल रही है, किस चैनल से मुझे मिल रही है। तो जिस चैनल को आप फॉलो कर रहे हो तो उसका सब्सक्राइबर रेगुलर रहिए, उसको कंटिन्यू सपोर्ट कीजिए यार। कोई किसी चीज़ के लिए कर रहा है जो हो सकता है एक पुरुष के लिए चलता है, एक महिला के लिए चल सकता है, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। देखो लोग संविधान भारत का एक है, हर किसी का समझाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो आपको देखो कहते हैं कि टीचर पढ़ाने वाला होता है, सब्जेक्ट तो एक ही होती है, लेकिन उनको समझाने का ट्रिक अलग अलग होता है सबको। हो सकता है किसी को एक इजी वे में जल्दी समझ आ जाता है, किसी को ज़्यादा टाइम लग जाता है समझाने में। तो अलग अलग डेफिनेशन होती है, कानून तो एक ही है, मतलब डेफिनेशन सबकी एक ही है, लेकिन उसको समझाने का जरिया होना चाहिए किस तरह से होता है, ठीक है। तो यार जब आप कम से कम आप पुरुष लोग हैं, कम से कम आप पुरुष हैं जो एक साथ तो हो जाइए, कम से कम आप इस अपनी आवाज़ को मीडिया के सोशल मीडिया के जरिए उठाइए, आप किसी की ट्विटर पे इसको टेक कीजिए, हैशटैग लगाइए, हर जगह आप इसको उठा सकते हो। आज की डेट में सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ ताकत होती है, और जब तक आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, कम से कम पुरुष भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा ना, तो पुरुष आयोग नहीं बनेगा भाई। भाई आप लड़ते रह जाओगे तो कहते हैं कि और मौका का फ़ायदा उठा ले जाओगे, तो आप ये लड़ना एक दूसरे को गिराना बंद करें और सपोर्ट करें भाई। जो भी इस संस्था ने जो भी काम कर रही है, जो भी पुरुष आयोग के लिए काम कर रही है, उनको आप सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, तो आपका जब भी काम बन सकता है। नहीं तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि थोड़े से इकट्ठा होने से आपकी पुरुष आयोग बन जाएगा। आप सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें भाई। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो एक ग्रुप बनाए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग स्टेट में, और जब एक बार कभी दिल्ली करने का हो तो पूरे एक साथ पहले एक महीना पहले सूचित कर दे, तब जाके आपका एक पुरुष आयोग बनने की संभावना हो सकती है, जब आप एकजुट हो जाओगे तब। नहीं ऐसे पॉसिबल नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है कि अगर आप एक दूसरे गिराने में लगे रहोगे तो। देखो रोस्ट मतलब यहाँ पे ट्रोल होना हर किसी का काम होता है, सोशल मीडिया से एक दूसरे को ट्रोल करने का मतलब होता है कि बुराई करना स्टार्ट होता है भाई। जो आगे नहीं बढ़ पा रहा वो दूसरे की बुराई करेगा, वो एक दो वीडियो पे अच्छी व्यूज ला सकता है, उससे आगे कुछ नहीं हो सकता उसको। अगर आपको यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर रहना, तो आपको अपना टैलेंट लाना पड़ेगा,
होमवर्क करना पड़ेगा आपको, अच्छे से अपने जो सब्सक्राइबर उनको अच्छा कंटेंट देना पड़ेगा, तभी आपके सब्सक्राइबर पाएंगे, नहीं तो एक दो वीडियो पे आपको लाके कुछ भी फायदा नहीं हो पाएगा। और आपको एकजुट होना पड़ेगा भाई, सपोर्ट करना ही पड़ेगा, कम से कम पुरुष हो के पुरुष को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका पुरुष आयोग बनने की संभावना।